नमस्कार दोस्तों, आपको आरजी पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं यहाँ पे रियलमी के सॉफ्टवेयर अपडेट के नोन नेटवर्क कनेक्शन एरर के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आज सुबह के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक रियलमी या फिर अगर आपके पास एक ओप्पो का स्मार्टफोन है तो भैया अगर आप जाओगे अपने फ़ोन के सेटिंग में फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में तो वहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे है नोन नेटवर्क कनेक्शन एरर। अब उस वीडियो में भैया मैंने साफ साफ कहा था कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब इस एरर को आप सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि ये जो एरर है ना ये आपके फ़ोन की तरफ से नहीं आ रहा है, ये रियलमी की तरफ से आ रहा है। तो आप भैया चाहे फ़ोन को रीसेट करो, चाहे सिस्टम सेटिंग को रीसेट करो, चाहे हार्ड रीसेट करो, चाहे फ़ोन को तोड़ दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है नहीं क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना ये रियलमी की तरफ से आ रहा है। एक्चुअली रियलमी की तरफ से नहीं, कलरओएस की तरफ से आ रहा है। मतलब कलरओएस 7 जो है ना वो ओप्पो के फ़ोन में भी देखने को मिल जाता है और कलरओएस 7 के ऊपर बेस्ड करके ही जो रियलमी यूआई है वो आपको रियलमी के फ़ोन में देखने को मिल जाता है। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो कलरओएस की तरफ से आ रहा है, ना कि रियलमी ना कि ओप्पो की तरफ से, समझ रहे हो। तो मेन प्रॉब्लम कलरओएस की तरफ से आ रहा है। जहाँ तक बात है प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा तो यार उसके बारे में आपको बताऊंगा। और ऑफिशियल पोस्ट यहां पे आ चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है रियलमी कम्युनिटी में। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उसी के बारे में पहले बात करते हैं। तो देखो यहां पे फिलहाल आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो ऑफिशियल पोस्ट आ चुका है जहाँ पे लिखा है कि मेनी ऑफ आवर यूजर आर फेसिंग अ नोन नेटवर्क कनेक्शन एरर वाइल ट्राइंग टू अपडेट देयर रियलमी स्मार्टफोन्स। दिस इज ड्यू टू द अपग्रेड एंड मेंटेनेंस ऑफ सम OTA सर्वर्स टू इम्प्रूव आवर सर्विस। ड्यूरिंग दिस द सॉफ्टवेयर अपडेट इंटरफेस विल शो अ मैसेज नो नेटवर्क कनेक्शन। अब इसका मतलब यार ऑफिशियली यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है कि ये कोई एरर है ही नहीं, रियलमी वालों ने जानबूझ के सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सिस्टम को रोक दिया है अपने सर्विस और सिस्टम वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए, समझ रहे हो। मतलब ये कोई एरर है ही नहीं, ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, रियलमी वालों ने जानबूझ के सॉफ्टवेयर अपडेट सिस्टम को रोक दिया है ताकि भैया कुछ इम्प्रूव वगैरह किया जाए। मतलब यहाँ पे कुछ अंदर इम्प्रूव वगैरह होगा जिसके बाद में आपको बेटर सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेगा। तो यार ये कोई एरर है ही नहीं तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। अब जहाँ तक बात है प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा, तो यहाँ पे फिलहाल आप पढ़ सकते हो द सर्वर मेंटेनेंस विल बी कंप्लीटेड विद इन 2 working days। वंस द सर्वर मेंटेनेंस इज कंप्लीट द अपडेट विल बी डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली। मतलब यार 2 दिन के अंदर जो मेंटेनेंस है ना ये कंप्लीट हो जाएगा और 2 दिन बाद आपको वापस से वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर वाला इंटरफेस है वो सही तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब जहाँ तक बात है जिन लोगों के फ़ोन में भी अपडेट आने वाला था उनके फ़ोन में भैया अपडेट आ रहा है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में ऊपर की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है कि न्यू वर्जन डिटेक्टेड तो आप उस पर क्लिक करके आराम से अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि मैनुअली अपडेट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता दूँ मैनुअली अपडेट कर सकते हो क्योंकि जो मैनुअल प्रोसेस होता है वो रिकवरी मोड के थ्रू होता है। तो मैनुअली आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। बस जाओ सॉफ्टवेयर अपडेट वाले वेबसाइट पे, मैनुअल पैकेज को डाउनलोड करो, रिकवरी मोड में जाओ, जाके सीधा फ्लैश कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैनुअल अपडेट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। और जहाँ तक बात है ये नोन नेटवर्क कनेक्शन एरर की, तो ये कोई एरर है ही नहीं, रियलमी वालों ने जानबूझ के इसको रोक दिया है। 2 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम 2 to 3 working days समझ सकते हो। अब 2-3 दिन में जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो उसके बारे में आपको जरूर से बता दूंगा। तो यार इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। मतलब किसी के मन में ऐसा टेंशन ना हो कि भैया हमारे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस शेयर कर दो लोगों के पास ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए। तो यार इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर मेरे चैनल पर नए आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के उस ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसी ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहे, हमेशा स्मार्ट रहिए।